पर बिल्कुल भी चोरी ना होती हो। भारत में 60,000 से भी ज़्यादा पेट्रोल पंप हैं। रोज करीब 60 करोड़ लीटर फ्यूल कंजप्शन होता है हमारे भारत में। 5, 10, 15, 20 ml की चोरी आपको पता भी नहीं पड़ती। ना गाड़ी के माइलेज पर कोई अंतर पड़ता है, ना ही गाड़ी के फ्यूल मीटर पे इतना अंतर आ पाता है जो आप पकड़ सकें, आप समझ सकें कि इस पेट्रोल पंप पे आपके साथ फ्रॉड हुआ है। चोरी करने के कुछ तरीकों को तो आप पकड़ सकते हैं, लेकिन कुछ तरीके ऐसे हैं जिनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सबसे पहला तरीका और सबसे आम तरीका तो यही है कि आप ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, पेट्रोल भराने के लिए जाते हैं और जो भी लास्ट रीडिंग होती है वहीं से वो पेट्रोल भरना शुरू कर देता है। आप देखते ही नहीं है कि रीडिंग जीरो पर थी या नहीं थी। या फिर जब आप पेट्रोल भराने के लिए जाते हैं तो मशीन पर दो लोग खड़े होते हैं, एक पेट्रोल भरने वाला और एक पैसे काटने वाला। पेट्रोल भरने वाला खुद ही आपसे बोलता है कि भैया जीरो देख लीजिए। आप जीरो देख के संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ रीडिंग जीरो पर है। उतने में दूसरा बंदा जो पैसे काटने वाला है वो आपके साथ बकवास करने लगता है, भैया ये ऑफर है वो ऑफर है वगैरह वगैरह, इधर उधर की बातें करके जैसे तैसे आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। बस उसी दौरान पेट्रोल भरने वाला बंदा अपना गेम खेलता है और पेट्रोल भरना रोक कर दूसरी रीडिंग से दोबारा स्टार्ट करता है और पेट्रोल चोरी कर लेता है। आपको मीटर पे सब कुछ सही दिखेगा, जितने पैसे का आपको भराना था उतने पैसे दिख रहे होंगे या जितना लीटर भराना था उतना लीटर दिख रहा होगा, लेकिन फ्यूल टैंक के अंदर उतना पेट्रोल आया नहीं होगा। दूसरा तरीका है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि आप 1,000 रुपये का पेट्रोल भराते हैं तो वो बंदा किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट पे आके पेट्रोल भरना रोक देता है, मान लीजिए 200 पर आके रोक देता है। आप उसे दोबारा टोकते हैं कि भैया 1,000 का बोला है, तो वो इस तरीके से आपको बिहेव करता है कि जैसे वो सुन नहीं पाया था या भूल गया या कंफ्यूज हो गया वगैरह वगैरह, तो वो 200 रुपये से ही स्टार्ट कर देता है। मतलब कि आपके 1,000 रुपये के पेट्रोल को दो पार्ट में भरता है। इससे मतलब ये है कि पहले पार्ट में जब उसने 200 रुपये का भरा तब तो आपको 200 का पूरा पेट्रोल मिल गया, लेकिन जो दूसरा पार्ट है 800 रुपये का, उसकी रीडिंग उसने 200 से ही स्टार्ट कर दी। मतलब 800 वाले पार्ट में आपको 600 का ही पेट्रोल मिल पाया, तो अल्टीमेटली उन 1,000 रुपये में आपको 800 रुपये का पेट्रोल मिला, 200 रुपये की चोरी कर ली उसने। तीसरा तरीका है, ज़्यादातर लोग आमतौर पर 50 रुपये, 100, 150, 200, 300, 500, 1,000 या 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर या फुल टैंक, इस तरीके से पेट्रोल भरवाते हैं। तो इस तरीके के राउंड प्राइसेस पर ऑलरेडी सेटिंग की हुई होती है उन मशीनों में कि अगर बंदा आके मान लीजिए 500 रुपये पर सेटिंग की हुई है और आप आके बोलते हैं कि 500 रुपये का पेट्रोल डाल दीजिए, तो ऑटोमेटिकली मशीन आपको 500 को ना डालते हुए 450, 470 जिस तरीके की भी सेटिंग की गई है उतने का ही डालती है। आपको मशीन पर सारे डिजिट्स सही दिखते हैं, 500 रुपये ही दिखेंगे, 500 में जितना पेट्रोल आता है उतना ही दिखेगा, लेकिन आपकी टैंक में उतना नहीं पहुँच पाया होगा। चौथा तरीका है चिप लगाने का। ये तरीका उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर पेट्रोल पंप्स में 2017 में पकड़ा गया था। मशीन के अंदर एक छोटी सी चिप लगा दी जाती है और ये चिप रिमोट से कंट्रोल होती है और वो रिमोट पेट्रोल भरने वाले के पास में होता है। कुछ इस तरीके से ये चिप काम करती है कि जब आप पेट्रोल भराने जाते हैं और पेट्रोल भरने वाला इसे एक्टिवेट कर देता है, आप चाहे कितना भी ध्यान दे रहे हो, कितने भी अलर्ट हो, वो एक्टिवेट हो जाती है तो आप देख ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते और आपको पेट्रोल कट के मिलता है। मतलब मान लीजिए आप 1 लीटर भराते हैं तो आपको 1 लीटर पूरा ना मिलते हुए 950 ml, 970 या 940 जिस तरह की भी सेटिंग की गई है उतना ही मिल पाता है। इस चिप का फायदा ये है कि अगर किसी को शक होता है कि पेट्रोल चोरी हो रही है या फिर कोई मशीन चेक करने के लिए आता भी है, तो आप उस चिप को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। डीएक्टिवेट होने के बाद मशीन सही तरीके से पहले की तरह काम करने लगती है। पांचवा तरीका है, जब मशीन इंस्टॉल की जाती है तब शुरू में ही या फिर बाद में किसी लोकल मैकेनिक को या लोकल इंजीनियर को बुलाकर मशीन में सेटिंग्स चेंज की जाती हैं। मतलब मशीन ऑटोमेटिकली 5 ml, 10 ml 1 लीटर में से काट लेती है। आप चाहे कितना भी पेट्रोल भराते हैं आपको उतना पूरा नहीं मिल पाता, 5-10 ml से आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, नापने में भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इतना फील नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस 5-10 ml से उस पेट्रोल पंप के मालिक को बहुत फर्क पड़ता है। छठवां तरीका है, जो ज़्यादातर 4-व्हीलर्स के साथ में होता है, 2-व्हीलर्स में आसानी से नहीं हो पाता। जब आप अपनी 4-व्हीलर में पेट्रोल भराने के लिए या डीजल भराने के लिए जाते हैं 1,000, 2,000, 3,000 या जितने का भी, तो आप अपनी ड्राइवर सीट पर बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा जीरो देख लेते हैं। कोई आपको बात कर ध्यान भटकाने की कोशिश भी कर रहा है तो आप नहीं भटकने देते हैं, आप पूरे अलर्ट हैं, लेकिन वो बंदा जो आपकी गाड़ी के पेट्रोल टैंक के पास खड़ा हुआ है वो पेट्रोल पाइप को बार बार ऑन ऑफ करता रहता है, इकट्ठा लॉक नहीं लगाता। बार बार ऑफ करने के कारण पूरा पेट्रोल आपके पेट्रोल टैंक में नहीं जा पाता
वापस चले जाता है पेट्रोल पंप के टैंक में। आमतौर पर इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करके पेट्रोल की चोरी की जाती है पेट्रोल पंप पर। अगर इन तरीकों के अलावा भी आप कोई तरीका जानते हैं या आपके साथ घटित हुआ है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अब बात आती है कि इस चोरी से बचा कैसे जाए। सिर्फ एक ही तरीका है इस चोरी से बचने का, वो है आपका ध्यान। अगर आप ध्यान देंगे तो आपके साथ पेट्रोल चोरी होने के चांसेस बहुत कम है। नॉर्मली पेट्रोल भरने वाले भी उन्हीं लोगों के साथ इस तरीके की हरकतें करते हैं जो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, अपनी कार में बैठे होते हैं, मोबाइल में लगे होते हैं या बातों में लग जाते हैं। इसके अलावा अगर आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो सबसे पहले तो आप देख लें कि रीडिंग जीरो पर है या नहीं है। रीडिंग जीरो पर होने के बाद भी आपको मशीन पर ही ध्यान रखना है। कोई भी आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है या आप कहीं और अपना ध्यान लगा लेते हैं तो उसको मौका मिल जाएगा चोरी करने का। अगर आप पेट्रोल इकट्ठा भरा रहे हैं 1000-2000 का या फिर पूरा टैंक फुल करा रहे हैं, उस समय पे अगर वो बंदा पेट्रोल पाइप को ऑफ कर देता है और दोबारा भरना स्टार्ट करता है तो वापस जीरो से स्टार्ट करवाएं, ना कि उसी रीडिंग से कंटिन्यू होने दें। कोशिश करें कि पेट्रोल राउंड प्राइस में ना भरवाएं, 200, 250, 300 इस तरीके के प्राइसेस ना बोलें, 230, 220 इस तरीके के प्राइसेस बोलें। अगर आप अपनी फोर व्हीलर में पेट्रोल या डीजल भराने के लिए जा रहे हैं तो वैसे तो कोशिश करें कि गाड़ी से उतर कर ही आ जाएं और खुद ही वहां पर खड़े होकर देखें।